एक बार एक राजा शिकार खेलने एक जंगल में जाता है। वहाँ घने वन में शिकार करते करते रास्ता भूल जाता है और शाम होने पर पास के एक किसान की झोपड़ी में रुक जाता है। वहीं अपनी रात गुजारता है और सुबह अपने रास्ते चल देता है। चलते चलते एक पर्चा इस अनपढ़ किसान को थमाता है और समझाता है कि कोई भी परेशानी हो तो इस पर्ची में लिखे पते को दिखाते हुए हमारे पास आ जाना। अगले वर्ष अकाल पड़ता है, सारी फसल नष्ट हो जाती है। किसान को पर्ची वाली बात याद आ जाती है और इसके सहारे राजदरबार तक जा पहुंचता है। किसान की समस्या को सुनकर राजा सोचता है, इसे धन दे तो कोई छीन न ले, बेहतर हो कि इसे इसकी झोपड़ी के पास वाला चंदन का बाग दे दे। सो वो उसे भेंट कर देता है। किसान सोचता है, कौन रोज़ लकड़ी काट कर इसे बेचने का झंझट मोल ले, क्यों ना इस सब का कोयला बना लूँ और एक साथ खूब सारा धन कमा लूँ। चंदन के वृक्षों को काटकर उनका कोयला बनाने का काम पूरा होने ही वाला था कि एक दिन बारिश हो जाती है। कोयला न बन पाने के कारण बची हुई कुछ चंदन की लकड़ियों को ही सर पर लाद कर किसान बाजार चल देता है। चंदन अपनी खुशबू बिखेर रहा था, ढेरों ग्राहक इकट्ठे हो गए। थोड़ी सी लकड़ी हजारों में बिक गई, जबकि ढेरों कोयला कुछ ही रुपयों में बिक पाता है। जब इसका राज मालूम पड़ा तो किसान बहुत पछताया कि इतनी कीमती लकड़ियों का कोयला बना दिया। आमतौर पर हम अपनी नासमझी में यही मूर्खता करते हैं। जिंदगी के बगीचे का हर रोज़ एक कीमती पेड़ की तरह है। इसकी कीमत न जानने के कारण इसे कोयला बना बनाकर बर्बाद करते रहते हैं।